तो चलिए समझते हैं टैली TR-T9 के बारे में। शुरुआत से समझाऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर होने वाला है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। TR-T9 ओपन कर दिया मैंने। अब अगर आपको ये पता करना है कि आपके पास वर्जन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर TR-T9 में ये इसके वर्जन एंड अपडेट दिया हुआ है। इसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट और टी प्रेस कर सकते हैं। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और टी एक साथ प्रेस कीजिए और ये वर्जन आपको बता देगा। ये देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है टैली TR-T9 6.0। तो 6 पॉइंट से ऊपर का जो भी वर्जन है वही आपको इस्तेमाल करना है, ये वर्जन लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट से ऊपर का ही इंस्टॉल किया है, ये बात समझ में आ गई, तभी उसमें GST आप लगा पाएंगे, ठीक है। ये कंपनी हमारे पास पहले से बनी हुई है, लेकिन हमें शुरुआत करनी है नई कंपनी बनाने से। तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये जो पट्टी सी बनी हुई है, ये चीज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप या तो क्लिक कर सकते हैं माउस से जाकर के, और अदर अगर आप क्लिक नहीं कर सकते तो अल्ट के साथ F3 प्रेस कीजिए, अल्ट और फंक्शन बटन F3, ठीक है। जैसे ही प्रेस करते हैं तो कंपनी इन्फो वाली विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। अगर आपको कंपनी को बंद करना है तो ऑल्ट F1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर इस कंपनी को बंद करना है तो चलिए ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं, ऑल्ट F1। तो ये ऑल्ट F1 प्रेस किया, अब जो कंपनी हमारी थी वो बंद हो गई, जो साइड में दिख रहा था वो बंद हो गया, दिख रहा है कि नहीं, तो वो कंपनी तो हो गई बंद। अभी हमें नई कंपनी सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर कंपनी इन्फो के अंदर, ये कंपनी इन्फो ओपन है देख सकते हैं आप, कंपनी इन्फो के अंदर जो पहला ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी, उसमें एस जो है रेड कलर में हाईलाइट है। किस कलर में हाईलाइट है? रेड कलर में। तो आपको खाली कीबोर्ड से एस प्रेस करना है। जैसे ही एस प्रेस करेंगे तो आपके सामने कंपनीज की लिस्ट ओपन हो जाएगी। देखिए लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन हो गया है। ये पाथ है, पाथ का मतलब होता है रास्ता, ऊपर दिए गए ना सी यूजर पब्लिक, ये जाकर के ये जो बना रहे कंपनी बना रहे या जो भी एंट्री कर रहे हैं वो जाकर के सेव कहाँ होगा, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो अगर आपको ये देखना है कि आपकी सारी चीजें जाकर आ रही है तो यहाँ से देख लीजिए, ये पाथ है आपका सी यूजर पब्लिक फिर टैली TR-T9 फिर डाटा। तो आप यहाँ से जाइए, अब क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज 11 तो यहाँ से चला जाता हूँ सी, यहाँ पर वापस चलते हैं, क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे दो ड्राइव है, एक सी ड्राइव है एक डी ड्राइव है, तो सी यूजर्स फिर इस तरह से करके टैली बना हुआ था ना, तो सी में चलते हैं। अब इसमें कहीं यूजर्स दिख रहा है आपको, यूजर ये रहा। अब इसके बाद हमें कहाँ जाना है, पब्लिक में जाना है, पब्लिक में आके, पब्लिक के बाद टैली TR-T9 था ना, प्राइम तो था नहीं, प्राइम का अलग बना हुआ है, TR-T9 का अलग बना हुआ, तो TR-T9 में चलते हैं। और डाटा नाम से था, तो ये डाटा यहाँ पे, अब सारे डेटा यहाँ पे आपको दिखेंगे, जो भी बनाया आपने उसकी रॉ फाइल्स आपको यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर जाकर के सेव हो रही है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कर लेने के बाद किसी एक कंपनी को चूज करना है, लेकिन चूज हम करेंगे नहीं, हम नई कंपनी बनाएंगे। इसके लिए बाहर आने के लिए जब भी टैली से बाहर आना है, जब भी बाहर आएंगे तो एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आएंगे। एस्केप बटन आपको कीबोर्ड में एकदम अपर साइड में लेफ्ट साइड में ऊपर दिया रहता है, ठीक है। अब यहां से जाना है क्रिएट कंपनी पर, तो नेविगेशन की का प्रयोग कीजिए, क्रिएट कंपनी पर आ जाइए, कंपनी हम बना लेंगे, ठीक है। एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो कंपनी क्रिएशन वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंपनी क्रिएशन वाला फॉर्म ओपन हो गया है, मैं यहाँ पर माई इंस्टीट्यूट या माई शॉप के नाम से एक कंपनी बना ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कंपनी का मेलिंग नेम आएगा, जिसके नाम जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपना प्रोपराइटर का नाम देना चाहता हूँ तो ये मिस्टर सुंदर तिवारी दे देता हूँ, ये लिख देता हूँ, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। एंटर किया, यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, तो यहाँ पे एड्रेस में क्या डालेंगे, न्यू कॉलोनी देवरिया, मेरा न्यू कॉलोनी देवरिया है, आपका जो भी हो वही डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू कॉलोनी देवरिया, हो गया, ये इस तरीके से एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे इंडिया रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, उत्तर प्रदेश आएगा, तो ये उत्तर प्रदेश कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पिन कोड आएगा देवरिया का, तो ये देवरिया का पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है, ये हो गया। एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, तो ये तो बहुत सारे वीडियोज में बता भी चुका हूँ, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा, तो मान लीजिए हम 1/4/2021 से या 22 से जब से भी काम करना प्रारंभ कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आएगी, बात समझ आ रही है। तो मान लीजिए हम 1/4/2021 रख ले रहे हैं, मैं टैली का एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहा हूँ, एजुकेशनल वर्जन में और जो पेड वर्जन आता है दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है
कि आप एजुकेशनल वर्जन में डेट नहीं चेंज कर पाएंगे, एक या दो या तीन डेट आप चेंज कर पाएंगे एजुकेशनल वर्जन में, लेकिन जो पेड वर्जन आएगा उसमें किसी भी डेट पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, टैली एक बार परचेस कर लेते हैं तो हमेशा वो काम करेगा। ठीक है, टैली का कोई इस तरह का क्रैक जैसे जीएसटी वाला तो क्रैक नहीं मिलेगा, प्राइम का तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको क्रैक वगैरह। ठीक है, पुराना वर्जन मिल सकता है क्रैक जिसमें वैट एक्टिवेट रहता हो, वैट का ऑप्शन भी सिर्फ दिया गया हो, जीएसटी ना इनेबल हो, यानी मैं बात कर रहा हूँ 6 पॉइंट से पहले की वर्जन के बारे में, तो वहां पर आप जीएसटी नहीं एक्टिवेट कर पाएंगे। ठीक है, जो नए वर्जन आए हैं उसमें जीएसटी एक्टिवेट हो जाएगा। पहले ERP9 की बात करें तो 6.0, 6.1, 6.2 ऐसे 6.123 ऐसे करके जो वर्जन है उनमें जीएसटी एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी 7.2, 7.3 इस तरह के जो वर्जन है 6 से ऊपर के जो भी है उनमें जीएसटी एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन पुराने में नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बुक्स बिगनिंग फ्रॉम दिया हुआ है, तो हमारा काम भी एक ही डेट से शुरू हो रहा है। क्या कोई वॉल्ट पासवर्ड देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, यहाँ पर मैं एक वॉल्ट पासवर्ड डाल देता हूँ, आपको उसी पासवर्ड को यहाँ रिपीट भी करना है, ये रिपीट कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इसको नो रखते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हुए ये कंपनी हमारी बन गई। अब यहाँ पे आपको वॉल्ट पासवर्ड देना होगा, तो यहाँ पर जो वॉल्ट पासवर्ड हमने दिया था वो दे देते हैं, हमारी कंपनी बन गई, साइड में देख सकते हैं ये हमारी कंपनी है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसा कि देख सकते हैं कंपनी तो हमारी बन गई, लेकिन अगर मान लीजिए कि कंपनी बनाते समय कुछ गलतियां हमसे हो जाए तो उसको हम कैसे सही करेंगे? कंपनी बनाते समय जो भी गलती हुई है उसको सही करने के लिए आप डायरेक्टली अल्टर में नहीं जा सकते, आपको कंपनी के अल्टर में जाना होगा। तो कंपनी में जाने के लिए आपको अल्ट F3 प्रेस करना होगा। ठीक है, यहाँ आपको मिलेगा कंपनी इन्फो, कंपनी इन्फो की विंडो दिख रही है, इसमें सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, सर्च कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर, टैली वॉल्ट पासवर्ड जो हमने लगाया था वो भी, स्प्लिट कंपनी डेटा, बैकअप, रिस्टोर और क्विक, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हम वापस चलेंगे अल्टर पर, क्योंकि जो भी कंपनी में गलतियां हुई हैं उन्हें हम अल्टर से ही सही कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्ट पासवर्ड चेंज करना है तो वॉल्ट पासवर्ड पे भी जा सकते हैं, फिलहाल चलते हैं अल्टर पर। तो ये ए प्रेस कर दिया, हमारी कंपनी यही है माई शॉप। ठीक है, यहाँ पर आ गए, देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं हो गई। जैसे मान लीजिए हमने मोबाइल नंबर नहीं दिया था, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देते हैं, जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, ये डाल दिया, एंटर किया, मोबाइल नंबर पे डालना है, फोन नंबर पे नहीं डालना, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, मोबाइल नंबर पे डालते हैं यहाँ पे। तो जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए अपना, एंटर करिए, एंटर करिए, ईमेल वगैरह देना चाहते हैं दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बाकी की सारी चीजें सही है। लेकिन यहाँ पर हमने सिक्योरिटी कंट्रोल को नो रखा था, जबकि वॉल्ट पासवर्ड हमने लगाया था। ठीक है, याद है ना आपको? तो यहां पर वाई प्रेस कर देंगे सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का नाम डालना है, तो यहाँ मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर में मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, गैप लेकर के करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर में अपना नाम मैंने एंटर किया, यहाँ पे पासवर्ड डालना है हमें, तो यहाँ एक पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड कुछ इस तरीके से मैं डाल देता हूँ, ये डाल दिया हमने पासवर्ड। ठीक है, एंटर किया, इसी पासवर्ड को रिपीट करना है, तो यहाँ से पासवर्ड को मैं रिपीट करने वाला हूँ, तो ये रिपीट भी कर दिया, एंटर किया। ठीक है, लिख रहा है फॉरगेटिंग पासवर्ड, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल, अगर आप पासवर्ड भूले तो फिर जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, वो फिर रिकवर होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एंटर करिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है यूज टैली ऑडिट फीचर, क्या टैली के ऑडिट फीचर को यस करना चाहते हैं? अगर यस करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। ये लिखा हुआ है डिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, हमें एजुकेशनल मोड रखना है क्योंकि हमने वही इंस्टॉल किया है, हम 18,000 का खरीदेंगे थोड़ी ना। एंटर कीजिए, 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 एंटर कर दीजिए। ठीक है, कंपनी को रीलोड कर लीजिए। यहाँ पे टैली का जो वॉल्ट पासवर्ड दिया था वो वॉल्ट पासवर्ड आपको देना होगा, तो यहाँ मैंने दे दिया वॉल्ट पासवर्ड, एंटर किया। अब यहाँ यूजर नेम देना है। ठीक है, तो यहाँ यूजर नेम मैंने शायद यही दिया था, मिस्टर सूरज तिवारी यही दिया था, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वही यूजर नेम, एंटर करके नीचे आते हैं। यहाँ पे पासवर्ड डालना था, तो जो पासवर्ड आपने सिक्योरिटी में जा करके दिया था वो पासवर्ड आपको यहाँ देना है, ध्यान देना है कि वही पासवर्ड दीजिएगा, वॉल्ट वाला मत दे दीजिएगा, एंटर करिएगा। ठीक है, एंटर करिए, फिर यहाँ पर कह रहा है वापिस से पासवर्ड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वापिस से पासवर्ड मैं डाल देता हूँ।
ये पासवर्ड हमने डाल दिया, एंटर किया, यहाँ पे ये पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या तो यूजर नेम गलत है या तो पासवर्ड गलत है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे मैं केवल सूरज तिवारी करता हूँ, शायद सूरज तिवारी ही दिया था क्या, यहाँ पर ये चीज ध्यान देनी होगी आपको। बाकी पासवर्ड तो हमने यही दिया था, ये पासवर्ड हमने दे दिया कुछ इस तरीके से, अब ये खुल गया, केवल सूरज तिवारी दिया था हमने तो ये खुल गया, ओपन हो गया। तो देख सकते हैं कि पासवर्ड अगर आप गलत डालेंगे तो आपकी कंपनी ओपन नहीं होगी, कुछ भी एक्सेसिबल नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पासवर्ड भी डालना है तो बहुत सावधानी के साथ, और अल्टर करना है तो जो भी अल्टर करना है आसानी के साथ कंपनी में जाकर के अल्टर कर सकते हैं। ERP9 क्यों लिया मैंने, ERP9 ज्यादातर लोगों की कंप्लेन यही है कि सर प्राइम पे मत समझाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, उसमें पहले प्राइम इंस्टॉल हो पाना संभव नहीं है, तो इसीलिए ERP9 पे ही ये चीजें मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, कंपनी तो हमारी बन गई है, लेकिन कुछ एडिशनल सेटिंग्स के बारे में आपको भी जरूर जानना चाहिए, वो क्या है आइए बोल रहा हूँ। जब आप कंपनी बनाएंगे और सबसे पहली एंट्री पास करेंगे उसके पहले कीबोर्ड से F11 की प्रेस कीजिएगा। F11 जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ कंपनी फीचर की विंडो ओपन होती है, ये कंपनी फीचर आपको दिखाई दे रहा है, तो बस यहाँ पर एंटर कर दीजिए। एंटर करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है मेंटेन अकाउंट ओनली, क्या आपको केवल अकाउंट को मेंटेन करना है या फिर इंटीग्रेटेड अकाउंट इन्वेंटरी, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेटिंग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में ये देख सकते हैं मेंटेन बिल वाइज डिटेल ये दिया हुआ है, इसको आपको यस करना है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी चाहते हैं तो इसको भी यस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन को अभी ऑफ रखने वाले हैं, ठीक है। ये बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। चलिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे एक्सेप्ट कराने के लिए, बाकी सारी सेटिंग ओके है हमारी, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया हमारा काम। अब जब पहली एंट्री पास करोगे, ध्यान दीजिएगा मैं बात कर रहा हूँ पहली में पहली एंट्री की, कंपनी नई बन गई, शॉप खोलनी है, कंपनी नई बन गई, जो आप परचेस करके लाएंगे ऊपर, जो आप परचेस करेंगे उसके लिए आपको जरूरत होगी फंड की, पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए जरूरी है। जरूरी क्या है भैया, कि आप कुछ कैश की रिसीविंग करा लें। रिसीविंग दो तरीके से हो सकती है, बैंक टू बैंक या फिर कैश। फिलहाल हम कैश की रिसीविंग कराने जा रहे हैं तो यहां से वाउचर में जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि टैली में बहुत सारे वाउचर होते हैं, यहाँ पर ये पट्टी सी जो बनी हुई है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कंपनी है, यहाँ पे इन्वेंटरी है, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर है, यहाँ पे डेट है, ये कंपनी है, कॉन्ट्रा वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, रिसिप्ट है, जर्नल है, सेल्स है, क्रेडिट नोट है, परचेज है, डेबिट नोट है, यहाँ पर देख सकते हैं रिवाइजिंग जर्नल है, फिर मेमोज है। आपको कौन से वाउचर में जाना है, अगर आप रिसीविंग कराना चाहते हैं तो कौन से वाउचर में जाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, F6 प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, कैश को रिसीव कराना है। फॉर्मेट अगर आपका ऐसा ना शो हो रहा हो तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट अगर कुछ अलग शो हो रहा हो, यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट की ऑप्शन ना आ रहे हो, तो F12 बटन प्रेस कीजिएगा, फंक्शन बटन F12 प्रेस करना है, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे दिया हुआ है सिंगल एंट्री मोड, कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा हो और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ऑफ आ रहा हो, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा हो, तो एंट्री इस तरीके से भी पॉसिबल है, लेकिन बेहतर वे ये है कि क्रेडिट और डेबिट में रिसीविंग की एंट्री करी जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है, जैसे मैंने किया जिन जिन चीजों को ऑफ किया उन चीजों को जाकर के आप खाली ऑन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये यूज रिसिप्ट कंट्रा ये दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिट डेबिट, तो इसको यस कर दीजिए, और सिंगल एंट्री मोड को यस किया है इसको नो कर दीजिएगा, ठीक है। और ये जो है ना ये ऑप्शन यस रहेगा, तो बस कंट्रोल ए कर दीजिए, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट शो होने लगेगा। जो हो रहा है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर क्रेडिट नहीं आता है, ठीक है, डेबिट आ रहा होता है, तो वहाँ पर डेबिट भी दे सकते हैं, क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट यहाँ से। अच्छा, लेजर बनाने का तरीका क्या है, लेजर यानी खाता, आप अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। मैनुअल तरीके से बनाते थे, कागज कलम लेकर के बनाते थे, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो इस चीज को अच्छे से जानते हैं। तो कागज कलम लेकर के न बनाए और हम डायरेक्टली एंट्री पास कर पाए, इसका सबसे अच्छा वे है कि जब भी आप रिसीविंग कराने जाएंगे तो CR में डालेंगे कैपिटल अकाउंट, कंपनी में जो भी पैसा रिसीव होता है उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं।
उसको पैसा रुपया ठीक है धन ये सब कुछ नहीं बोलेंगे, आप कैपिटल बोलेंगे, क्या बोलेंगे कैपिटल। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाइए, ग्रुप बहुत सारे मिल जाते हैं, तो इसमें खाली आपको कैपिटल अकाउंट आपने लिया तो कैपिटल का ही ग्रुप सेलेक्ट करना है ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं, फिलहाल नाम छोड़ते हैं, एंटर करते हैं एक्सेट्रा। आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ डाल दीजिए, डेबिट में कैश कर दीजिए, अगर आप बैंक के थ्रू जा रहे हैं तो बैंक का लेजर लगा सकते हैं, फिलहाल कैश करता हूँ। यहाँ पे मैं एसेट डाल सकते हैं कैपिटल रिसीव्ड, RECEIVED कैपिटल रिसीव्ड रुपीज, कितना रिसीव कराया है 70 लाख रुपए रिसीव कराए गए हैं, तो यहाँ पे 10,000 ये कर दिया हमने, हो गया, ये नरेशन में डाल दिया, एंटर कर दिया। जब भी आपको इसका प्रिंट देखना होगा, प्रिंट देखना बहुत आसान है, बाहर आके भी ठीक है, अब क्योंकि टैली ईआरपी नहीं है, प्राइम की बात मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पे सिंपली दो बार डी प्रेस करना है आपको, ये रिसीव बाउचर वाली एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यहाँ से अल्ट पी प्रेस कीजिएगा, एंटर करिएगा, ये देखिए यही आपके रिसिप्ट है और रिसिप्ट आपके सामने है, देख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। चलिए अच्छा यहाँ पे नरेशन प्रिंट हुआ है क्या, देखिए कैपिटल रिसीव्ड आरएस 70 लाख, तो ये जो है रिसीव हो गया है कैपिटल हमारा, और नरेशन भी प्रिंट होकर आ रहा है। आपके में शायद ये नरेशन ना प्रिंट हो रहा हो तो सेटिंग क्या करनी है आपको, जब आप कंट्रोल अल्ट पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नीचे कॉन्फिगर का ये नजर आएगा, ऑप्शन नजर आएगा, आप एक्चुअल भी प्रेस कर सकते हैं, जैसे ही इसमें जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है नरेशन प्रिंट कराने का, तो देखिए ये दिया हुआ है प्रिंट नरेशन, तो ये यस है, और यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट नरेशन फॉर ईच एंट्री, हर एंट्री के लिए नरेशन को यस कर दीजिए, तो दोनों ही को मैंने यस कर रखा है ठीक है ना, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने रखा है प्रिंट नरेशन को यस, तो आपको नरेशन को यस रखना है तभी नरेशन प्रिंट होगा। कंट्रोल ए कर दीजिए, देखिए नरेशन प्रिंट हो ही रहा है, आप देख ही सकते हैं पहले भी मैंने दिखाया था, तो ये बहुत आसान है, आसानी के साथ आप एंट्री कर पाएंगे ठीक है। अब जो दूसरी प्रॉब्लम हमारे साथ आएगी वो डेट चेंज को लेकर के आती है, कैसे कैसे डेट चेंज को लेकर आती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अभी 1 अप्रैल में लास्ट एंट्री हुई पड़ी है, 1 अप्रैल 2021 ठीक है, तो अभी मान लीजिए 2022 चल रहा है और अप्रैल का ही सीजन है 2022 ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं सीधा सीधा आ जाते हैं यहाँ से F2 प्रेस करते हैं, क्योंकि F2 जो है डेट चेंज करने की शॉर्टकट की होती है ठीक है, डेट चेंज करने की शॉर्टकट की क्या होती है F2 होती है, तो F2 प्रेस करके सीधा सीधा यहाँ आ जाते हैं। अब ये 2021 है, वो क्या करते हैं यहाँ पे करते हैं 1/4 और यहाँ पे लिखते हैं 2022, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है आपके साथ ठीक है। अब देखिए ये दिक्कत कब आएगी, जबकि आप गलत डेट एंटर करेंगे तभी ये दिक्कत आएगी, तो ये दिक्कत आपके साथ ना आए इसके लिए आपको क्या करना है, डेट को सही तरीके से एंटर करना है, समझ रहे हैं, 2021 है तो आप 22 नहीं कर सकते ठीक है। अच्छा 2021 है तो क्या 2021 में कोई भी डेट एंटर कर देंगे, नहीं, आप 2021 अप्रैल से स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2021, तो आप यहाँ 1/3/2021 नहीं कर सकते, यहाँ पे जाएंगे तो ये दिक्कत आएगी, पहले एवब कह रहा था अब कहेगा बिलो, बिलो यानी कम है डेट ठीक है, इसके पहले कह रहा था कि ज्यादा है डेट, तो दोनों ही में दिक्कत आएगी, तो ये दोनों दिक्कत आपके साथ ना हो इसीलिए डेट को प्रॉपर एंटर कीजिएगा, क्योंकि कंपनी में जब जाते हैं आप, कंपनी को मैं अल्टर करके दिखा देता हूं आपको, यहां से कंपनी को अल्टर करने के लिए ऑल्ट F3 प्रेस करते हैं और यहां से अल्टर पर आ जाते हैं, सीधा सीधा ए प्रेस कर लेते हैं, ए प्रेस करने के बाद अपनी कंपनी को ओपन कर लेते हैं, तो हमारे कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो रहा है और काम करने का डेट भी 1/4/2021 है, ये ध्यान दीजिएगा, तब जाकर के ये डेट जो है दिक्कत कर रहा है, अगर आप डेट सही रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है ना, बात समझ में आ गई। जो दूसरी समस्या हमारे साथ आती है, ये तो हो गया हमारा, यहां से हम इसको क्लोज करते हैं, हमारी कंपनी बनी हुई है और ऑलरेडी कंपनी में फंड भी हमने रिसीव करा लिया है, ये देख सकते हैं यहां पर कुछ फंड भी रिसीव कराया है, इसका प्रिंट आउट मैंने दिखाई दिया आपको, अल्ट पी प्रेस करके और एंटर करके इसका प्रिंट आउट भी आप देख सकते हैं, नरेशन भी मैंने डाल ही रखा है, ये तो हमने आपको पहले ही दिखा दिया। चलिए बाहर आते हैं,
यानी फंड की भी रिसीविंग हो चुकी है। फंड की रिसीविंग करने के बाद जो पहला काम होता है वो परचेजिंग का होता है। भैया कहीं से माल मंगवाएंगे तब ना बेचेंगे, तो आप अपने यहाँ मंगवाइए और फीडिंग कर लीजिए कि ये चीजें आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ से बी बटन प्रेस करते हैं वाउचर में जाने के। जैसे ही वाउचर में जाएंगे तब तक हमें याद आएगा कि हमें परचेजिंग करनी है, तो आ जाइए परचेज वाउचर में। मोड कभी कभी आपको चेंज मिलेगा, ठीक है। कभी कभी आप ऐसे रहेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर आएगा, आइटम नेम नहीं आएगा, पर्टिकुलर आएगा, ठीक है। या फिर कभी कभी वाउचर मोड में आप रह सकते हैं, आपको यहाँ क्रेडिट नजर आएगा, तो आपको आइटम इनवॉइस मोड में रहना है। तो आई शॉर्टकट की है, तो आप ऑल्ट आई जैसे ही प्रेस करेंगे तो आइटम इनवॉइस में आ जाएंगे, वाउचर को चेंज कर सकते हैं, तो भी कंट्रोल भी आप कर सकते हैं। डबल लाइन बनी हुई है, इसका मतलब कि वो बटन आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, सिंगल लाइन बनी हुई है वो बटन आपको ऑल्ट के साथ प्रेस करना है, ठीक है। बात समझ में आई। अब यहां पर क्या करते हैं, सप्लायर का कुछ इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, ठीक है। एंटर करते हैं, वो डेट जिस डेट पर होगी परचेज होगी, तो F2 प्रेस कर लेते हैं डेट चेंज करने के लिए, ठीक है। 30 अप्रैल के डेट में हम परचेजिंग करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर 30/4/2021 डाल दिया, एंटर किया। अब ये डेट आगे बढ़ ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है भैया, ओरिजिनल वर्जन इंस्टॉल किया है, टैली का पेड वर्जन नहीं है ये, तो 31 तारीख के डेट में आप काम कर पाएंगे, 30 तारीख के डेट में काम नहीं कर पाएंगे, 1 तारीख 2 तारीख और 31 तारीख, यही 3 डेट है। तो यहाँ पर आप 2 तारीख रख लीजिए, या 1 मई कर सकते हैं, 1/5/2021 कर सकते हैं, 31 भी कर सकते हैं, जो भी महीना 31 का होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 31/5/2021 कर देते हैं तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा, तो तुरंत एक्सेप्ट कर जाएगा। यहाँ पर देखिए ये डेट हो चुकी है चेंज, यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए 31/5/2021, डेट चेंज हो गई आपकी, यहाँ पर भी टाइप कर देंगे तो यहाँ पर भी आपको डेट वो दिखने लगेगा। पहली एंट्री यहाँ पर कैश का लेजर नहीं बनता है, ये मैं कई वीडियोज में आपको बता चुका हूँ कि कैश का लेजर नहीं बनता है, तो कैश का लेजर कभी भी आपको बनाना नहीं है। इंटरव्यूज में सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि कैश का लेजर कैसे बनता है, तो भाई वीडियो देखे रहे, आप खुला रहेगा तो तुरंत बोलिएगा कैश का लेजर नहीं बनता है, कैश का लेजर पहले से बना होता है, ना तो कैश का लेजर बनता है ना तो प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बनता है, दोनों ही का लेजर आप नहीं बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे कैश लगा दीजिए, अगर आप कैश परचेजिंग कर रहे हैं तो कैश लगा दीजिए। यहाँ पर आएगा सप्लायर का नाम, तो सप्लायर मान लीजिए मिस्टर राम है, तो मिस्टर राम का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया, इनका एड्रेस जो भी है वो डाल सकते हैं, तो मान लीजिए न्यू कॉलोनी के है, तो न्यू कॉलोनी यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे देवरिया लिख देते हैं, ये डी ई ओ आर आई ए देवरिया कर दिया, एंटर किया। यहाँ पे स्टेट डालना कंपलसरी है, तो यहाँ पे स्टेट हम डाल देते हैं, ये स्टेट हो गया, एंटर करेंगे। यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा, लेजर तो दिख नहीं रहा तो बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर टैली प्राइम के जैसे सुविधा आपको नहीं मिलती है, क्रिएट का कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आएगा, तो करना क्या होगा, ऑल्ट और सी प्रेस करना होगा, तो ये लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए परचेज अकाउंट, क्या लिखना है, परचेज अकाउंट का लेजर आपको लगाना है, यहाँ पे लगा दिया परचेज अकाउंट, पी प्रेस कीजिए और यहाँ पर परचेज अकाउंट कर दीजिए, कर दिया, यहाँ पर एंटर करिए और एंटर कर लीजिए, ये आ गए। अब यहाँ पर हमको आइटम का खाता बनाना है, अभी तक हम पार्टी के लेजर्स को बनाते रहे, ठीक है, पार्टी के लेजर को बनाते रहे तो वहां पे लेजर बनाया हमने, अब हमें स्टॉक आइटम बनाना है, स्टॉक आइटम भी बनाने के लिए आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है, ऑल्ट सी एक ऐसी सॉफ्टवेयर की है जो आपके काफी काम आएगी, तो ऑल्ट सी प्रेस कीजिए, ये छोटी सी विंडो ओपन होती है स्टॉक आइटम की, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक आइटम बना लेते हैं हम, स्टॉक आइटम में हम क्या बनाएंगे, लेनोवो लैपटॉप कर देते हैं, लैपटॉप, ठीक है, ये लिख दिया हमने, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर यूनिट की बात आएगी, यूनिट अगर नहीं बनाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी, पहले वो देख लेते हैं, यहाँ पर आए एंटर प्रेस कर दिया, सीधा आपका खर्चा चला जाएगा अमाउंट पे, ठीक है। तो कई स्टूडेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि सर क्वांटिटी में नहीं जा रहा है, आपका क्वांटिटी में जा रहा है मेरा नहीं जा रहा है, तो यूनिट नहीं बनाएंगे तो क्वांटिटी में नहीं जाएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको सही कैसे करेंगे, आपको ये कर दिया आपने, बना तो दिया लेनोवो लैपटॉप, दोबारा आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा बैक आ जाए हम, यहाँ पर एंटर किया, यहाँ पर अगर एंड ऑफ लिस्ट करके फिर यहाँ पर आएंगे आप,
यहाँ पर अगर दोबारा से Alt C करेंगे और Lenovo लैपटॉप के नाम से बनाना चाहेंगे तो ये आपकी हो जाएगी डुप्लीकेट एंट्री। ठीक है, Lenovo लैपटॉप करेंगे, Lenovo लैपटॉप आप नाम चेंज करके बना सकते हैं लेकिन सेम नाम से नहीं बना पाएंगे। तो ये देखिए Lenovo लैपटॉप जैसे ही मैं करूंगा तो डुप्लीकेट एंट्री बताएगा। तो देखिए ये कह रहा है आप नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट एंटर डिफरेंट नेम। ठीक है, तो इसको सही करना है। ठीक है, एक और नहीं बनाना, सही करना। सही करने के लिए अल्टर में जाना होगा, स्केप बटन प्रेस करते हुए बाहर आ जाइए। बाहर आ गए, अब कहां जाना है? अल्टर में जाना है। किसके अल्टर में जाना है? अल्टर में किसके जाना है? अल्टर में जाना है इन्वेंट्री इन्फो में चलते हैं। या गए इन्वेंट्री इन्फो, हमें स्टॉक आइटम को अल्टर करना है। आई प्रेस कर दीजिए और अल्टर में चलिए। यहाँ दो तरह का आपको स्टॉक आइटम बनाने का तरीका मिल जाना है। एक एक करके स्टॉक आइटम बनाइए, मल्टीपल स्टॉक आइटम भी आप बना सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, मल्टीपल स्टॉक आइटम की सुविधा आपको मिल जाती है, एंटर प्रेस कर दीजिए। याद है यही था ना, यूनिट छूट गया था लेने वो लैपटॉप में, तो यहाँ पे यूनिट आप बना लीजिए। यहाँ पर आइए अल्ट सी करिए, मैंने कहा था अल्ट सी बार बार आपके काम आएगी, अल्ट सी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लेनोवो का लैपटॉप बिकेगा तो ये नंबर्स में बिकेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि 4 किलो लैपटॉप बिकेगा, 8 किलो बिकेगा, 16 किलो बिकेगा, 1 क्विंटल बिकेगा, ऐसा नहीं है। तो NOS कर दीजिए। NOS एक सिंबल होता है जो कि नंबर्स का सिंबल होता है। ठीक है, आप NO करके भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे लिख दीजिए नंबर्स, नंबर्स लिख दिया हमने, एंटर किया। ठीक है, फॉर्मल नेम इसका नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं, समझ में आ रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि डेढ़ लैपटॉप बेचेंगे, पौने दो पौने तीन लैपटॉप बेचेंगे, बेचेंगे तो पूरा एक बेचेंगे, इसीलिए जीरो रख दिया डेसिमल प्लेसेस। एंटर करिए, एंटर करिए और एक्सेप्ट कराइए। ये हो गया, अब आपका ये सही हो गया। ठीक है, अब जब सही हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ से बी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बाद में करते हैं कि कैसे ये सप्लायर नंबर ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, इसकी बाद में करते हैं। चलिए एंटर करते हैं, 31 मई के ही डेट में ये परचेजिंग होनी है, कैश करना है, कैश कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पार्टी का नाम डाला था तो मिस्टर राम हमने किया था, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं मिस्टर राम, आर ए एम राम लिख दिया। एंटर करिए, एंटर करिए, यहाँ पे स्टेट डाल दीजिए उत्तर प्रदेश, लिख दीजिए उत्तर प्रदेश, हो गया काम। ठीक है, यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा, लगा दीजिए लेजर, लगा दिया। यहाँ पर हमने बनाया था लेनोवो लैपटॉप, अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे लगा करके तो देखेंगे तो कर्सर आपका क्वांटिटी में जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए 5 या 50 आइटम्स की बात करते हैं, एक आइटम 40,000 का है। ठीक है, या 49,000 का कर देते हैं, ये 49,000 कर दिया, तो उसके हिसाब से यहाँ टोटल क्वांट जो है आ गया कि कितना कॉस्ट हुआ। ठीक है, क्या आपको यहाँ पर वैट लगाना है, जीएसटी लगाना है, तो जीएसटी की बात अभी हम बाद में करते हैं, अभी हम इसको एक्सेप्ट करवाते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करवा रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुड्स हैव बीन परचेज, मतलब गुड्स परचेज किया गया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे डाल देते हैं नरेशन में। ठीक है, परचेज कर देते हैं। अब ये परचेजिंग उधारी की हो रही है कि कैश की हो रही है, आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कैश, तो ये जो परचेजिंग है वो कैश की हो रही है, यानी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं। पेमेंट करते हैं किसमें पेमेंट करते हैं, कब पेमेंट करते हैं, जबकि आप परचेज करते हैं तब पेमेंट करते हैं। परचेज की एंट्री जब कर रहे होते हैं तो उस समय आपको पेमेंट की एंट्री भी दर्शानी होती है, जबकि आप उधारी में माल परचेज कर रहे हो तब। समझ आ रही बात, अब उधारी में तो माल परचेज नहीं कर रहे हैं, हम तो अभी कैश कर रहे हैं ना, तो जब कैश करेंगे तब तो परचेज करने के बाद पेमेंट करने की जरूरत है। ये एंट्री पास हो गई। अगर आप पेमेंट वाउचर में जाते हैं, यहाँ से आते हैं पेमेंट वाउचर के लिए F5 प्रेस करते हैं, ये F5 प्रेस किया है तो आपको कोई भी यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि पार्टी का नाम है ही नहीं, तो जब भी उधार की बात आएगी तब पार्टी का नाम आएगा। समझ रहे हैं बात को, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब कैश दे देंगे ऑलरेडी तो वहां कैश का लेजर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अगर कैश नहीं दे रहे हैं इन केस तब क्या होगा, अगर कैश नहीं देंगे तो यहाँ से बी बटन प्रेस करके आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद सीधा सीधा आ जाएंगे परचेज वाउचर में। अब देखिए यहाँ पर कोई कैश मैं नहीं देने वाला हूँ, 31 मई है ना, डेट चेंज कर देते हैं, F2 प्रेस करते हैं, यहाँ पे 1/6/2021 कर देते हैं, ये कर दिया हमने। ठीक है, तो ये 1 जून हो गया है, यहाँ पर भी 1/6/2021 कर दीजिए ताकि यहाँ पे 1 जून हो जाए, हो गया। अब यहाँ पे कैश दिख रहा है लेकिन हमें कैश करना नहीं है, तो
यहाँ पर जब भी परचेज होगा तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर आता है, तो अल्ट सी कीजिए, अल्ट सी कर दिया। अब यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे एक क्रेडिटर पार्टी पुनीत नाम से मैं बना लेता हूँ, पुनीत, पुनीत नाम से बना लिया, ठीक है, पुनीत, यहाँ पे सी कर देता हूँ ताकि पहचान होता रहे कि ये क्रेडिटर पार्टी है। ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर होगा, तो यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर कर दीजिए, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर कर दिया। इसको चालू रखना बहुत जरूरी है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये जरूर चालू रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अब ये क्रेडिटर पार्टी कहाँ की है ये भी आपको देना है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप उत्तर प्रदेश में कारोबार करते हैं तो मध्य प्रदेश की पार्टी आपसे नहीं खरीद सकती, जम्मू कश्मीर की पार्टी नहीं खरीद सकती सामान, ठीक है, वो कहीं की पार्टी कहीं से भी सामान खरीद सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यस कर दीजिए, समझ रहे हैं, ये यस कर दिया। यहाँ पर अगर उधार में हो रहा है परचेजिंग तो ये डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दिया गया है, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कई लोग ऐसे होते हैं जो महान होते हैं, समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी दुकान से सामान ले जाएंगे, भुला जाएंगे कि उधार में लिए थे, समझ रहे हैं? तो ऐसे कंडीशन में डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मैं 30 दिन का डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दे दूं, या मान लीजिए 10 दिन का ही कर देता हूँ, ये 10 दिन कर दिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे चेक पर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री दिया गया, ठीक है, तो ये यस कर दीजिए, ये यस कर दिया। आप देखिए यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की मान लेते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, पिन कोड डाल सकते हैं आप, ये हो गया, सप्लायर का पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। और बात कर लेते हैं वापिस से अलग स्टॉक आइटम की, इस बार अलग स्टॉक आइटम लेते हैं, ठीक है, इस बार हम एचपी का लैपटॉप लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा मैंने एचपी आई आर फोर कर देते हैं, आर फाइव राइजन फाइव, ठीक है, एंटर किया यहाँ पे एनओएसई रहने देते हैं और एंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। तो मान लीजिए कि 5 लैपटॉप आपने परचेस किया, ठीक है, एक की कीमत रही 55,000 रुपए, कितना रही 55,000, तो ये 55,000 कर दिया, एंटर किया। और भी स्टॉक आइटम है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, दे सकते हैं नीचे, ठीक है, फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं नरेशन, नरेशन में क्या देंगे, द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट का मतलब हुआ उधार में, उधारी में परचेजिंग हो रही है ये, ठीक है। अब ये करके और एंटर करके एक्सेप्ट करा लिया, प्रिंटिंग देती है, बाहर आ जाइए और यहां से दो बार डीप्रेस कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको एक बात नहीं समझ में आ रही होगी कि कई एंट्रीज किया, यहां पर एक ही एंट्री क्यों दिखाई दे रही है, कारण है क्योंकि डेट पे चेंज किया ना, तो जब आपको दो डेट्स के बीच का डेट चेंज करना हो तो ऑल्ट एफ2 करिएगा, ठीक है, ऑल्ट एफ2 मतलब एक डेट से लेकर दूसरे डेट के बीच का, ठीक है, तो यहां कर दीजिए 1/4 से हमारा काम शुरू हुआ था, 1/4 2021, 1/4 2021 कर दिया और 1/6 2021 तक का पूरा डिटेल, यानी तीनों चीजें आपके सामने हैं। अब ये लास्ट वाला था हमारा, लास्ट वाला दिख रहा है, ऑल्ट पी प्रेस कीजिएगा प्रिंट निकालने के लिए, एंटर करिएगा, ये आपको प्रिंट दिखाई पड़ेगी, इस तरीके का टैली में प्रिंट आता है, अगर आपके पास बिल होगा तो कुछ इसी तरीके का टैली में प्रिंट निकल करके आता है, आपने देखा भी होगा दुकानों पर अक्सर यही देखने को मिलता है। टैली की एक खास बात यह है कि एक बार परचेस कीजिए और हमेशा यूज कीजिए, ठीक है। हाँ, आपको एडिशनल फीचर्स नहीं मिलेंगे, जो अपडेट आता रहता है टैली में वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन एक बार परचेस कर लेंगे तो 17-18 हजार का पड़ेगा, वो जीवन भर आपको काम करेगा, लेकिन ये है कि अपडेट जो नए आएंगे वो आपको नहीं मिलेंगे, यही आपको दिक्कत होगी, बाकी सब चीजें तो ठीक है, आपका सिस्टम हैंग हो गया तो उस कंडीशन में रिकवरी होने के लिए लेंगे सब पैसा, नया करेंगे तो उसको फिर से रिकवर करने के लिए तो उसमें पैसा लेते हैं सब, अगर आपने पहले से बैकअप बना रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपका प्रिंट था, उम्मीद करता हूँ प्रिंट कैसे आएगा ये समझ में आई होगी बात, ठीक है। अब यहाँ से इसके पेमेंट की बात कर लेते हैं, भाई कैश वाला तो कुछ पेमेंट शो नहीं कर रहा था, यहाँ पर क्या पेमेंट शो करेगा, तो यहाँ से बी बटन प्रेस करके आ जाते हैं F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर, ठीक है। क्रेडिटर पार्टी का क्या नाम था, पुनीत, ठीक है, तो लगाते हैं लेजर, जैसे ही लेजर लगाया हमने तो यहाँ पर देखेंगे 2,75,000 रुपए यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो इसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, जिस भी डेट पे आप पेमेंट करिए, डेट आप चेंज कर सकते हैं, यू आर फ्री टू चेंज द डेट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जुलाई में हम पेमेंट करते हैं, तो 1/7/2021 करते हैं, तो ये इस डेट पर हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, जुलाई, 1 जुलाई हो गया, देख सकते हैं ना,
अब इसको पेमेंट कर रहा है, मान लीजिए कि पूरा पेमेंट नहीं देते, 2 लाख रुपया पेमेंट कर देते हैं, बाकी 75,000 बाद में ले जाना, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंटर किया, यहाँ पे एजीएस की रेफरेंस का मतलब होता है अगेंस्ट रेफरेंस, तो ये आ जाता है अपने आप। एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, ठीक है, यहां पर आते हैं, ठीक है, यहां पर आने के बाद यहां पे किसका लेकर आएगा, कैश का लेकर आएगा। अगर आपके बैंक खाते में पैसा है और बैंक अकाउंट देना चाहते हैं तो आप बैंक अकाउंट का भी लेजर लगा सकते हैं। बैंक अकाउंट कैसे लगाएंगे, आर्ट सील करके बैंक अकाउंट का लेजर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक में आपका खाता है, तो ये लिख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया कर देते हैं यहाँ पे INDIA, ठीक है, एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पर ये जाएगा अंडर बैंक अकाउंट। बात समझ में आ रही है, ये बैंक अकाउंट हो गया, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर पड़ेगा आपका, जो भी बैंक अकाउंट का नंबर होगा वो आप जरूर डाल दीजिएगा। ये हो गया, एंटर किया, IFSC कोड वगैरह डालते रहिएगा, यहाँ ब्रांच नेम लेबर क्या कर देते हैं, ये हो गया, एंटर किया, एंटर किया। चेकबुक इशू करना है कि नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड है, खतवा किसके नाम से वो डाल दीजिएगा, चलिए स्टेट बैंक ही रख देते हैं, ठीक है, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ सीधा सीधा 2 लाख रुपया माइनस में जा रहा है क्योंकि इस स्टेट बैंक में 1 करोड़ रुपया है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो 11 जून जो है, यहाँ पे देखिए ये 11 जून 2021 जो है, यहाँ पे एक डेट दिखा रहा है। अब इस डेट का क्या मतलब है अभी समझते हैं, बाहर आते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि ये रेड में दिखा रहा है तो हमें खाता पैसा अपने बैंक अकाउंट में चाहिए। तो ये कंट्रा है, 4 प्रेस कीजिए, कंट्रा में आ जाइए, आगे कंट्रा में यहाँ पे लगाइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको डेबिट क्रेडिट वाला हिसाब किताब कंट्रा में नहीं समझ में आता है तो चेंज कर दीजिए ना, सिंगल एंट्री मोड में आ जाइए। क्या करना है आपको, अप्लाई प्रेस करना है, सिंगल एंट्री मोड को एक्टिवेट कर दीजिए और डबल एंट्री मोड यानी डेबिट क्रेडिट को ऑफ कर दीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, हो गया काम, हो गया ना। अब यहाँ पे अकाउंट आ रहा है, अकाउंट में क्या करना है, जिस बैंक में पैसा ट्रांसफर हो रहा है उस बैंक का नाम यहाँ पर आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है, एकदम आसान है ये आ गया। अब यहाँ पे कैश कर दीजिए, कैश आप डाल रहे हैं, जितना कैश डाल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10 लाख तो हो नहीं सकता, जितना लिखी हुआ है उतना ही रहेगा, तो यहाँ पे मैं 2,30,000 रुपए कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कर दिया 2,30,000, समझ में आया। एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे नोटों की डिटेल डाल दिया, 2,30,000 रुपया कब होगा, तो 2,000 की हमको लगता है कि 50 नोटों की कितना होगा, 100 नोट कर देते हैं, 2,00,000 100 नोट कितना होगा, 2 लाख रुपए हो गया ना, और बाकी 30,000 1,000 का नोट तो चल भी नहीं करता है इंडिया, तो यहाँ पे क्या करते हैं 60 कर देते हैं यहाँ पे 60, ठीक है, तो ये 2,30,000 पूरा हो गया। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, डायरेक्शन चाहे तो आप डाल सकते हैं, तो ये कंट्रा वाउचर में अब आपके बैंक अकाउंट में पैसा हो गया। अब ये भी एंट्री आपको दिखाएगा, ठीक है, ये कंट्रा वाली एंट्री भी आपको शो करेगी, कैसे शो करेगी, आरटीजी प्रेस कीजिएगा, एंटर करिएगा, तो ये कंट्रा वाली एंट्री भी आपको दिखेगी। तो ये कंट्रा वाउचर में पैसा हमने रिसीव करा दिया, कंट्रा वाउचर इसीलिए इस्तेमाल होता है, अपने ही खाते से अपने ही खाते में पैसा भेजना है तो कंट्रा वाउचर इस्तेमाल होगा, कंट्रा वाउचर समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बैंक खाते से हम पेमेंट करेंगे इनको, ठीक है, तो वी प्रेस करके वाउचर में आ गए और कहा जाना है पेमेंट करना है, F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर में, ठीक है, सिंगल एंट्री मोड को डबल एंट्री मोड में चेंज कर लीजिए, F12 प्रेस कर लीजिए। काम करने की आसानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे चेंज वगैरह जो भी करना है आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, ठीक है, ये सिंगल एंट्री मोड है ऑलरेडी यस है, इसको नो कर दीजिए और बाकी ये डेबिट क्रेडिट को यस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेबिट क्रेडिट की हमको जरूरत है, कंट्रोल ए कर दीजिए, डेबिट क्रेडिट आ गया, और भाई 300 डेबिट आया है, 300 डेबिट का कोई मतलब नहीं है, उससे घबराइएगा मत, ठीक है। क्रेडिटर पार्टी हमारी यही है ना, लगा दीजिए लेजर 2,75,000 यहाँ पे देना है, ठीक है, लेकिन हमने कितना रिसीव कराया है बैंक खाते में 2,30,000 रिसीव कराया है, हम इनको 2 ही लाख देने वाले हैं, तो 2,75,000 तो देना ही है, ठीक है, तो ये हो गया 2 लाख रुपया अगेंस्ट रेफरेंस आ गया, किसी बिल के अगेंस्ट में हम इनको पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ड्यू डेट भी है। यहाँ पर किसका लेजर आएगा बताइए, यहाँ पर डेबिट दे रहा है ना, तो अभी डेबिट तो ऊपर हम कर चुके हैं तो फिर डेबिट आ रहा है, तो घबराइए मत, यहाँ पे CR कर दीजिए, टाइप कर दीजिए कीबोर्ड से CR, तो अपने आप क्रेडिट भी आ जाएगा, ठीक है। बैंक खाते से देना है ना तो स्टेट बैंक से दे दीजिए, कितना पेमेंट दे रहे हैं 2 लाख का पेमेंट दे रहे हैं, 2,30,000 है और 2 लाख हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये 2 लाख पेमेंट किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, और यहाँ पर हम दे देंगे पेड 2 लाख, हो गया
सक्सेसफुली टू किसको पेमेंट किया है, पुनीत को, पुनीत क्रेडिटर पार्टी जो है ना क्रेडिटर, ये लिख दिया हमने, ठीक है, ये हमने नरेशन में डाल दिया और एंट्री पूरी हो गई। अब जब दोबारा पुनीत का लेजर आप लगाते हैं तो देखिए पुनीत का खाली 75,000 बाकी है, देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ 75,000 बाकी है, तो जो बाकी अमाउंट है वो यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। अब जो 75,000 बकाया था उसको देना है, तो वी प्रेस कर लीजिए और आ जाइए पेमेंट वाउचर में F5 प्रेस करके, ठीक है। पार्टी हमारी कौन सी थी, पुनीत थी, ये पुनीत क्रेडिटर करके, तो इनका 75,000 जो बकाया था वो यहाँ से दे दीजिए आप सीधा सीधा, ये दे दिया, एंटर किया एंटर किया एंटर किया, स्टेट बैंक से ही दे रहे हैं तो ये जो है एक्सेप्ट करा लिया। अब जब दोबारा पुनीत का लेजर यहाँ पे लगाएंगे आप तो यहाँ पर बैलेंस जीरो दिखाएगा, तो ये पूरा परचेज का डिटेल था। अगर आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई भी जानकारी लेनी है, तो सीधा सीधा टैली ERP 9 में इन्वेंट्री इन्फो बना हुआ है, यहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि आपकी स्टॉक की समरी क्या है तो आप यहाँ पर आकर के स्टॉक समरी देख सकते हैं, आपके पास दो ही चीजें हैं, दो ही चीजें जो हमने ली थी वही चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है, ये फिटिंग हमने कर दी है, तो ये चीजें हैं, तो परचेज में इस तरह से काम होगा। अब जब सेल करने की बारी आएगी तब क्या क्या होगा, और उससे भी पहले मैं आपको GST भी एक्टिवेट करके दिखा देना चाहता हूँ, GST कैसे एक्टिवेट होगा, ठीक है। हालांकि इन सब चीजों पे GST मैंने एक्टिवेट नहीं किया है, लगाया नहीं है, तो पहले हम सेल्स में चलेंगे, ठीक है, तो बी प्रेस करके सेल्स में चलते हैं, या अगर सेल्स वाउचर में, यहाँ पर सेल्स में सप्लायर का एडवाइस नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर, आप कैश भी कर सकते हैं जैसा कि आपने परचेज में किया था, तो कैश करेंगे तो पेमेंट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कैश में पैसा रिसीव हो जाएगा, लेकिन अभी हमें बनाना है डेटर पार्टी, तो यहाँ पर डेटर पार्टी का नाम लिख देता हूँ मैं, ये डेटर पार्टी है हमारी उमेश, तो यहाँ पर लिख दिया हमने डेटर पार्टी का नाम। यहाँ पे ग्रुप सन्डे डेटर चूज करेंगे आप, ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है, एंटर करेंगे, यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ये रहेगा यस, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड इनको 3 दिन का देंगे हम ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, यहाँ पर इसको यस कर देते हैं, एंटर करते हैं, स्पेसिफाइड क्रेडिट लिमिट ज्यादा से ज्यादा देंगे तो 50,000 का देंगे, 50,000, ठीक है, तो 50,000 का ये हमने कर दिया, एंटर किया, ठीक है, और ये कह रहा है यूजिंग पोस्ट डेट ट्रांजेक्शन, तो ये सब छोड़ते हैं, एंटर करते हैं एंटर करते हैं एंटर करते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं, एंटर 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 एंटर, और ये एक्सेप्ट, यहाँ पर आएगा सेल्स अकाउंट का लेजर, तो यहाँ पे लिख दीजिए सेल्स और फिर लिख दीजिए अकाउंट, ये हो गया सेल्स अकाउंट, और फिर यहाँ सेल्स अकाउंट करिए, ये हो गया सेल्स अकाउंट, एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए एक्सेप्ट कराइए, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक चीज हम ले लेते हैं, लाइक ये HP का जो डेस्कटॉप है, एक डेस्कटॉप की बात कर लेते हैं, कीमत क्या रखेंगे, कीमत रखेंगे यहाँ पर हम 50,000 रुपये, ठीक है, ये 50,000 रुपये हमने कीमत रख दिया, ठीक है, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे, ठीक है। अगर हम 50,000 से ज्यादा देते हैं तब क्या होगा, एक्सेप्ट कर जाएगा क्या, मान लीजिए यही चीज हम 56,000 कर दें, क्या ये एक्सेप्ट करेगा, यही चेक करना है हमको, तो ये एक्सेप्ट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो आपको ये दिखाएगा कि आपने उमेश के लिए केवल 50,000 की क्रेडिट लिमिट सेट की है, आप 56,000 रुपये डाल रहे हैं, 56,000 का सामान उनको नहीं दिया जा सकता, ये मतलब होता है क्रेडिट लिमिट सेट करने का, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आप 50,000 से ज्यादा का सामान नहीं दे सकते, अगर आप चाहते हैं 50,000 से ज्यादा का देने का, क्रेडिट लिमिट जो सेट कर रहे हैं उसको आपको सही करना होगा, ठीक है ना, तो यहाँ से बाहर आ जाइए और क्रेडिट लिमिट को पहले सही करिए। सही करने के लिए कहाँ जाएंगे, ये यहाँ पे आएंगे अकाउंट इन्फो में, लेजर जो हमने बनाया वहां पे जाएंगे और यहाँ अल्टर करेंगे इसको, अल्टर करने के बाद हमारी जो डेटर पार्टी है जिसका नाम उमेश है उसको ले लेंगे और यहाँ पर क्रेडिट लिमिट में जो हमने दिया था वो हम 1,00,000 रुपए कर देते हैं, ठीक है, तो ये 1,00,000 कर दिया एंटर करके इसको, अब हम एक्सेप्ट करा सकते हैं चाहे, तो ये एक्सेप्ट करा लिया। अब जब हम एंट्री पास करेंगे तो इनको 1,00,000 का सामान दे पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे ये लगा दिया एंटर किया और यहाँ पे कैश नहीं रहेगा, यहाँ पे डेटर पार्टी का नाम आएगा, डेटर पार्टी लगा दिया एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर, सेल्स अकाउंट लगा के एंटर किया। अब यहाँ पर जो भी देंगे हम सोच समझ के देना है भैया, यहाँ अगर 2 दे देते हैं और एक की कीमत 50,000 रखते हैं, ठीक है, या एक की कीमत हम 51,000 रख लेते हैं,
तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा? नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये 54,000 के हिसाब से 1,02,000 हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। तो जैसे ही एक्सेप्ट कराने जाएंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे पार्टियों के लिए आप ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इनको 1,00,000 से ज्यादा का सामान आप नहीं देंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये कहीं इनको दीजिए, यहाँ पर आइए, 51,000 का एक दीजिए, अब ये एक्सेप्ट कर जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक्सेप्ट कर गया। अब जब ये पैसा दे देंगे, अब देखिए पैसा देंगे तो आप पैसा रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने के लिए कहाँ जाएंगे? रिसीव करने के लिए जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में। तो अकाउंटिंग वाउचर में आप रिसिप्ट वाउचर एक्सचेंज प्रेस करके सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्रेडिट है और डेबिट है, दो चीजें हैं। डेटर पार्टी को लगाइए, यहाँ पे क्रेडिट कर दीजिए, कितना रुपया है? 51,000 रुपया है, 51,000 पूरा का पूरा ये दे रहे हैं, एंटर करिए, ठीक है। बैंक से देंगे तो बैंक से ले लीजिए, फिलहाल ये कैश से दे रहे हैं तो ये कैश कर दीजिए, कुछ करना ही नहीं है, पैसा रिसीव हो गया खत्म। अब दोबारा इनका लेजर आप लगाएंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका बैलेंस दिखाएगा जीरो, जीरो दिखा रहा है। यही तो है टैली, खत्म, ठीक है। जीएसटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ से जीएसटी को एक्टिवेट करने के लिए F11 की प्रेस करेंगे। जैसे ही F11 की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे स्टेटरी एंड टैक्सेशन जो आता है इसको हम एंटर करेंगे और यहाँ से जीएसटी को यस कर लेंगे। सेट ऑब्लिक ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स को यस करेंगे। उत्तर प्रदेश हमारी स्टेट का नाम है। यहाँ पर एससी ऑफ टेरिटरी आपको चालू नहीं करना है, यहाँ पर आपको जीएसटी आईएन डालना है अपना। तो जो भी आपका जीएसटी आईएन है उसे जरूर डाल दीजिए, पहले इसको वेरीफाई करेगा और एंटर करते हुए यहाँ आ जाइए आप सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स में। यहाँ पर आपको रखना है टैक्सेबल, टैक्सेबल रखने के बाद यहाँ बाई डिफॉल्ट जो टैक्स लगा रहा हूँ 18% लगा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए 18% टैक्स लगा है बाई डिफॉल्ट। एंटर करके एक्सेप्ट कराइए, कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कराइए, कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। ये एक्सेप्ट करा लिया, यहाँ से बी प्रेस करते हैं। अब हम नई एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो नई एंट्री जब पास करेंगे तो वापस से परचेज में चलेंगे और यहाँ पर आकर के एंटर करेंगे। 1 दिसंबर में ही ये परचेजिंग होनी है, मान लीजिए यहाँ पर अलग से क्रेडिटर पार्टी हम दे देते हैं तो हीना नाम से क्रेडिटर पार्टी बना देते हैं। यहाँ पर ये सन्डी क्रेडिटर है, सन्डी डेटर नहीं है, तो क्रेडिटर रख करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। एक्सेप्ट हो गया, ये हो गया एक्सेप्ट। यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर लगाइए, यहाँ पे जो भी इनको सेल करना है वो सेल कर सकते हैं, जो भी इनको परचेज करना है वो परचेज कर लीजिए। 7 डेस्कटॉप है, 55,000 का एक है, ठीक है। इसके हिसाब से 3,85,000 हो गया। यहाँ पे देखिए डिस्काउंट अपने आप आने लगा, ठीक है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये एक्टिवेट हो गया है, लेकिन चलिए छोड़ते हैं इसको, डिस्काउंट हमें नहीं लगाना। यहाँ पे हमें जीएसटी लगाना है, जीएसटी पूरा एक्टिवेट कर दिया हमने, तो यहाँ पे लेजर क्रिएट करना होगा। ऑल्ट सी करके यहाँ लिखिए सीजीएसटी, सेम स्टेट का मामला है सीजीएसटी, अदर स्टेट का मामला होता तो एसजीएसटी हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्टॉक आइटम की विंडो है, यहाँ पर जाकर के नहीं, थोड़ा सा और नीचे आइए, यहाँ पे ऑल्ट सी करिएगा तो ये जो है लेजर क्रिएशन वाली विंडो है थोड़ी बड़ी होती है। यहाँ पर जाकर के सीजीएसटी करिए, एंटर करिए, इसे डाल दीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे ये जीएसटी है और कुछ तो है नहीं। सेंट्रल टैक्स करिए, सेंट्रल टैक्स करने के बाद यहाँ पर आइए, नॉर्मल राउंडिंग करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। देखिए आपका जीएसटी कैलकुलेट हो गया है, बाकी एसजीएसटी लगा दीजिए, एसजीएसटी ये लगा दिए, एसजीएसटी एंटर करिए, जीएसटी है ये, एंटर करिए, ये है स्टेट टैक्स, एंटर करिए, नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हैं, फिलहाल मैंने नहीं किया इसमें, एंटर करते हैं और आपको ये प्रिंट दिखेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे दो बार डिप्रेस कीजिए, प्रिंट आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आपने यहाँ पे परचेस किया है उसका। तो ये देखिए अल्ट पी प्रेस करके आपको जीएसटी के साथ ये प्रिंट रेट नजर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप वैट लगाना चाहते हैं तो वैट के लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज मैंने बना रखी है, एक कॉम्बो वीडियो ये बनाना था तो मैंने बना दिया है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर डिफरेंट स्टेट की पार्टी है तब कैसे होगा, तब भी हो जाएगा, कैसे होगा वो बता देता हूँ। चलिए इस बार हम डेटर पार्टी डिफरेंट स्टेट की ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमें कहाँ चलना है, बाउचर में जाना है और बाउचर में जाने के बाद सेल्स बाउचर में जाना है। सेल्स बाउचर में आ गए, सप्लायर का एडवांस नंबर डाला, एंटर किया, यहाँ पर आएगा डेटर पार्टी का नंबर, डेटर पार्टी का नाम आएगा। तो डेटर पार्टी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुंदन, और यहाँ पे ये डेटर पार्टी है, एंटर करेंगे और यहाँ पे सन्डरी डेटर, ठीक है। तो ये सन्डरी डेटर कर दीजिए, ये कुछ इस तरीके से,
एंटर करिए एंटर करिए, यहाँ पर डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड वगैरह कुछ नहीं देंगे हम, एंटर करते हैं एंटर करते हैं, यह हमने एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया। ध्यान दीजिएगा ये क्रेडिटर पार्टी उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये कहीं की भी हो सकती है लेकिन उत्तर प्रदेश की नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये उड़ीसा की है पार्टी, तो ये लगा दिया हमने सेल्स अकाउंट लगा दिया, डिफरेंट स्टेट का मामला है तो आईजीएसटी लगता है, कभी भी सीजीएसटी एनजीएसटी नहीं लगेगा डिफरेंट स्टेट पे, ठीक है। लगाने की कोशिश करेंगे नहीं लगा पाएंगे, तो यहाँ पे 200 बेच दे रहे हैं, ठीक है। तो 51,000 का ही बिक रहा है, तो यहाँ पे बढ़ा के बेचेंगे थोड़ा सा 55 कर देंगे, ये 55,000 कर दिया हमने, एंटर करेंगे एंटर करेंगे। और यहाँ पर आने के बाद सीजीएसटी देते हैं, सीजीएसटी कैलकुलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा डिफरेंट स्टेट है। आरसी करिए आईजीएसटी का लेजर बनाइए, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस करके जीएसटी कर दीजिए, जीएसटी करने के बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स आपको कर देना है, और इंटीग्रेटेड टैक्स करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए, एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए, देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स आपका कैलकुलेट हो गया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, नरेशन डाल दीजिए, सारा कुछ हो गया। अब इस पैसे को रिसीव करना है तो यहाँ से रिसीव वाउचर में चले जाइए और बस उस डेटर पार्टी का नाम ले लीजिए जिस डेटर पार्टी की बात आप कर रहे थे, जैसे कुंदन 1,32,800 रुपए इनका बैलेंस आ रहा है, तो 1,32,800 ये दे देंगे कैश में, ठीक है। अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट के थ्रू भी जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही जाइएगा। तो ये हो गया, अब ये दोबारा लेजर लगाते हैं तो इनका बैलेंस आपको दिखाएगा जीरो, देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, जो डाउट है वो बाद में पूछते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।